तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में कुछ इंसर्ट मेनू बार की कुछ चीजें। जैसे कि कल की क्लास में हमने आपके साथ इलस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, ताकि इलस्ट्रेशन जो है यूज होता है आपकी इसमें ग्राफिकल में होता है, लेकिन इसका यूज हम लोग रिपोर्ट्स के लिए भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं आगे आगे चीजों में। सबसे पहले अब आते हैं यहाँ पे एडिंग्स। एडिंग्स आपको दिख रहा हो ना सर? हाँ जी। अब ये एडिंग्स क्या है, इसके बारे में एक बार जान लीजिए। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं ना? हाँ जी। तो मोबाइल फोन में आपके पास एक बहुत सारे ऐप पहले से हैं, उसके हाँ जी। भी आपको कोई ऐप चाहिए तो कहाँ से लेते हैं? वो स्टोर पे जाना पड़ता है। जी हाँ, तो सेम थिंग यहाँ पे है। 2013 से माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया हुआ। तो इसमें क्या किया हुआ है, अभी एक चीज जान लीजिए कि आपके पास जो फीचर्स है इसके अलावा कुछ चाहिए तो यहाँ गेट एडिंग्स पे आप चले जाइए। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको दे देगा। तो इसमें भी स्टोर की तरफ कुछ ऐड फ्री है और कुछ ऐड पेबल है। यहाँ पे कैटेगरीज है, उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि हमने विजुलाइजेशन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए वेब प्लेयर दिख रहा है आपको। हाँ हाँ हाँ। ऐड पे क्लिक कर दीजिए एंड कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पे YouTube का URL डालें और यहाँ पे प्ले करें, आपका वीडियो प्ले होना शुरू हो जाए। ओके ओके, समझ गए? समझ गया। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पे ऐप हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपके लिए यूजफुल लगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, छोटी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो भी आप ऐप यूज कर लेंगे वो यहाँ माई ऐप में चला आता है। ठीक है। ऐप यूज किए हुए हैं मिनी कैलेंडर, यहाँ पीपल ग्राफ एंड इंपेक्ट ग्राफ, तीन आगे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे है, ट्रांसफॉर्म कोड फॉर्म। ये भी अभी पार्ट है, तो रिसेंटली यूज की गई है। यहाँ देखिए, ठीक है सर? ठीक है। एवरेज पर डे इसकी चार मोड होते हैं, यहाँ से डेटा पे जाइए और डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर वाउट ऐप तो है, ये चीजें हैं। अब इसे एक बार अपने हिसाब से देखिएगा, इसमें नए नए बहुत नए नए चीजें आपको मिलेगी जिसका यूज कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर आता है हमारा चार्ट्स का। अब चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप देखिए चार्ट्स को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, पहले होगा बेसिक चार्ट और दूसरा होगा डायनेमिक चार्ट, जिसको आप एडवांस चार्ट भी कह सकते हैं। वो जो एडवांस चार्ट होगा वो आपको हम कराएंगे सबसे लास्ट में, जिसको हम डायनेमिक चार्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डायनेमिक चार्ट जिस दिन कराया समझ समझिए कि आपका लास्ट टॉपिक शुरू हो गया। ठीक है। अब चार्ट्स के बारे में चलिए हम बात करते हैं कि चार्ट्स आखिर होता क्या है। देखिए अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स होता है कि अपने जो भी विजिबिलिटी है इजिली कंपेयर करने के लिए, अगर मैं सिंपल शॉर्ट बोलूं तो इजिली कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। कर लीजिए, मैं मना थोड़ी है, कर लीजिए। तो क्लासेस तो चली रही है, क्लासेस में आपका 10 मिनट वेट किया, नहीं आया तो स्टार्ट कर दिया। तो
तो अब इसके लिए हम छोटा सा डेटा यूज करते हैं, हमें देखिए जैसे कि हमने यहाँ दे दिया और यहाँ पे हमने सेल्स दे दिया, यहाँ पे जैन फैम मार्च में लिख देता, यहाँ पे छोटा सा डेटा में टाइप करता। अभी आप इस डेटा को देख के इजीली बता सकते हैं कि ये डेटा में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मीडियम है, क्या इजीली बता सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। मुझे डेटा ए जो है ये बहुत ही छोटा डेटा है इसलिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी अंदर बहुत बड़ा डेटा हो तो अरबों में, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, अब इतना बड़ा डेटा पे क्या लग रहा है आपको? आप बता पाएंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, मिड कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है? मुश्किल है, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, मुश्किल है ना। इसके लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट चार्ट्स। हेलो ज्ञान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको सर। तो हमने इसको चार्ट बनाया और चार्ट बनाने के बाद देखिए डेटा, अब इसमें हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सिप्टर जी, ठीक है। अब इसमें बात आती है, ये तो चलिए इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, अब बात आती है चार्ट को समझिए। अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली फिर हम देख लेते हैं कि चार्ट हो गया आपका, इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो खुद आपका चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट दो कॉलम ऐड होते हैं। चार्ट डिजाइन पे आते हैं तो आपके प्री डिफाइंड बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल लगता है। मुझे आवाज ही नहीं आ रही भाई, अनम्यूट करो भाई। समझ गए? तो बने बनाए आपके पास चार्ट है, जो सुटेबल लगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इसकी कलर थीम है, अगर मान लीजिए कि ये थीम नहीं चाहिए, कोई और थीम चाहिए तो आप कलर थीम यूज कर सकते। फिर बात करते हैं लेआउट, चार्ट्स की लेआउट्स। क्विक लेआउट में आता हूं मैं, तो देखिए ये लेआउट्स है, जो लेआउट पसंद है उसको यूज करें। जैसे कि आपने बताया कि आप चार्ट को एक्सेल पे बना के या पीपीटी पे ले आते हैं, तो जनरली हम लेआउट 5 का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं लेआउट 5 का? क्योंकि मुझे वहां पे डेटा और चार्ट दोनों रखने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग अलग, क्योंकि तो इसमें डेटा और चार्ट टेबल जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। जैसे देखिए नीचे आ गया टेबल, हाँ जी। तो इसकी बेनिफिट होती है कि आप एक ही बार एक चार्ट उठा ले जाइए और डेटा चार्ट दोनों साथ में साथ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चार्ट्स की बात हुई, बट चार्ट्स की अपनी अलग फॉर्मेटिंग भी है। तो चलिए एक क्वेश्चन की हम सॉल्यूशन देते हैं कि चार्ट जो है एक आर्ट की तरह है, एक जैसे आप पेंट करते हैं ना, फोटो पेंट करते हैं उसकी तरह। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद होगा, नॉर्मल में क्वेश्चन कि डेटा है, इस डेटा को चार्ट के जरिए प्रेजेंट है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया देता है देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि डेली बेसिस पे हमारी ज्वाइनिंग्स है, टोटल ज्वाइनिंग्स है और गोल हमारा एक, तो हम क्या करेंगे इसका परसेंटेज निकालेंगे। और इसमें हम इसको डिवाइड करके परसेंटेज आ गया 75%। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको यहां पे इसको लिंक कर देता हूं 75%।
सबसे पहले तो यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड किया टू से, फिर जो रिजल्ट आया उसमें से 50% माइनस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से 50%, मतलब कि तीनों का कंट्रीब्यूशन 100% होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस नंबर को 2 से डिवाइड किया, फिर जो रिटर्न मैसेज आया उसमें से 50% को माइनस करके बता दिया भाई इन दोनों को मिला के 50% होना चाहिए, एक 50% होना चाहिए। इन तीनों को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और हमने यहाँ पे पाई चार्ट का इस्तेमाल किया। पाई चार्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब इसकी एक अपनी फॉर्मेट होती है, तो इस पे राइट क्लिक करता हूं मैं, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आता हूं। यहाँ पे देखिए एंगल है, इसको क्लिक करने से आपका रोटेट करता है, इसको 270 डिग्री पे रोटेट करता है। पीस पे डबल क्लिक कीजिए नीचे वाला और इसकी कलर को नो कलर एंड बॉर्डर को भी नो कलर, लेकिन जरूरत नहीं है पकड़ हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी कलर जो है सॉलिड कलर में मैं ग्रे कलर लेता हूँ, सॉलिड इसको ब्लैक कर देता हूं, इसको वॉटर कलर को भी ब्लैक कर देता हूं। चार्ट टाइटल मैं इसको यहां से राइट क्लिक करता हूं, सिलेक्ट डेटा, एडिट, और टाइटल में मैंने इसको ले लिया। और इसमें आप फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया 0%। कैसे बना, क्या क्या एलिमेंट यूज किया, हम आपको आगे क्लास में समझाऊंगा, बस बता रहा हूँ कि चार्ट एक ग्राफिकल नहीं, एक आर्टिस्ट पार्ट होता है। आप अपने प्रैक्टिस से और अपने सोच से उसको यूज करना। नीचे डिलीट कर देते हैं, बड़ा हो गया, उसको तो साइड करना पड़ेगा। एक बार सेट कर लीजिए इसको, एक बार मैं जैसे इससे नंबर बनाऊंगा, ठीक है सर। इस तरह चीजें हम कर सकते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे चार्ट्स को। देखिए जब भी कोई चार्ट आप इंसर्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें अपनी रिक्वायरमेंट, चाहे चार्ट जो भी हो वो आपकी कंपेयर काम करता है। तो आपकी डेटा अगर मान लीजिए छोटी हो तो आप कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं, डेटा फ्लो में है मंथली वगैरह जो होता है ना, मंथ पूरे मंथ का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। आपको शेयरिंग देखना हो कि कितना परसेंट क्या किसका है तो आप जो है पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। शेयरिंग में आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो आप यहाँ पे थ्री मैप चार्ट यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ही मात्रा में डेटा है और आपको कुछ का घनत्व देखना है, उसका स्कैटर चार्ट यूज कर सकते हैं। कॉम्बो चार्ट भी इसमें है, तो ये अलग अलग कैटेगरी के चार्ट है जो आपके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। चलिए कुछ चार्ट के एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे कि अगर चार्ट आप यहाँ पे मान लीजिए कि हमने डेटा शुरू करो, डेटा यहाँ पे हमारे पास है राइट। अब इसमें जो डेटा हमारा है हमने इस पे क्या किया, चार्ट लगा, चार्ट लग गया। चार्ट लगने के बाद मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टारगेट को ऐड किया,
टारगेट है, तो आपको अब ये टारगेट इस चार्ट में तो आया नहीं क्योंकि हमने लगा लिया था बाद में, अब आपको इसमें टारगेट को ऐड करना है। तो आप चार्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ इस पे क्लिक करके नीचे की तरफ चेक करें, हो गया सर? इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है मान लीजिए कि मुझे दो चार्ट चाहिए, जैसे कि मैं इसको चार्ट लाइन चार्ट में रखना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आता है चेन श्री चार्ट टाइम, चेन श्री चार्ट टाइम, और इसको मुझे चाहिए कर्सर कॉलम में टारगेट करना है, तो हम लाइन में कवर करते हैं। तो दो चार्ट हमारे पास आ गए लाइन में, लेकिन दिक्कत एक चीज हो सकती है कि आपके पास दो तरह का डेटा, जैसे यहाँ पे 20% 30% ठीक है। अब इसमें लाइन आपका नीचे दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ दो टाइप के डेटा एक ही चार्ट में आप शो कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज जो है यहाँ पे 20% दिख रहा है, बट एक्चुअली में एक 0.20 है। हाँ जी, सर। हाँ जी, जिस कारण से क्या हुआ? अब जिस कारण से नीचे का डेटा लाइन सबसे नीचे आ गया, इसके लिए एक काम है कि आप जो है राइट क्लिक करें, चेन सिल्क चार्ट टाइप जो था उसी पे चले जाएं, तो यहां पे लास्ट में आपको दिखेगा सेकेंडरी एक्सेस, इसको सेकेंडरी एक्सेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसका यहाँ पे लाइन बन जाए, ठीक। तो इसका यूज आप कर सकते। सर ये लाइन कैसे ऐड की थी, एक बार दोबारा बताइएगा। ये उस सेकेंडरी चार्ट टाइप में जाके लाइन ऐड तो पहले से हमने किया था, चेन सीरीज चार्ट टाइप टाइप करके ना। हाँ जी, ठीक ठीक। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और हमने पहले इंसर्ट की कॉलम चार्ट। हाँ जी, ठीक है। कॉलम चार्ट हमने इंसर्ट कर ली, अब लाइन नीचे आ गया। हाँ जी, एक को पकड़ के श्री चार्ट टाइप पे गया, ठीक है। दो आ गए, एक आ गया सेल्स, दूसरा आ गया टारगेट। सेल्स को मुझे कॉलम रखना है, टारगेट को लाइन कर देना। तो यहाँ चार्ट टाइप की मैं इंस्टॉल कीजिए और अपना चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक हो गया। ठीक है, डेटा नीचे आ रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक हो गया। तो मैंने दूसरे एक्सेस में डाल लिया। अब यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस में दिक्कत आ गई, अब यहाँ पे 90 ये 100 है, समझ गए? तो अब इस लाइन को मैच करोगे, इसको मैच करोगे, तो ये पता चल रहा है कि 90 से ऊपर है तो ये आपका 80 है, तो मिसकम्युनिकेशन हुआ ना। हाँ जी, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएं और यहाँ पे मिनिमम को 0 कर दे, मैक्सिमम को आप एक देख लेंगे 100 है तो 100 कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, PC क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और एक चीज आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, अब परसेंटेज में 0 है और परसेंटेज में 100% के लिए 1 होता है, 1 = 100%। हाँ जी, फिक्स हो गया, अब आपका दिक्कत नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू चेंज होता है तो अपने आप को चेंज कर देता है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए, चार्ट में लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और कल हम कुछ और चार्ट टाइप के बारे में बताएंगे, ठीक है सर? ठीक है, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गई आज तो सर। इसके बाद प्रैक्टिस है ना आपकी, अब मैं आऊंगा, आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो आपको तो चार्ट पे प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा जब आप घुसेंगे एडिंस में, और एडिंस पर समझ गया तो आप एडिंस में रिसर्च करते चले जाएंगे। जैसे आप पहली बार आपने मोबाइल में गेम डाउनलोड की होगी, उसके बाद आपने कितने गेम्स खंगाले होंगे, अच्छा ये गेम कैसा है, वो गेम कैसा है,
सेम इसी तरह से जब एक एक ऐप डाउनलोड यहाँ से करेंगे एडेंज में उसको देखेंगे तो आप दूसरा ट्राई करना चाहेंगे, फिर तीसरा ट्राई करना चाहेंगे, चौथा ट्राई करना चाहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। देखिए स्टॉक कनेक्टर है, हम इसको कंटिन्यू करें। माया अब यहां से इसका एलिमेंट डालिए और इसका स्टॉक स्टॉक पर पेंसिल का यहाँ आई एन आर इसमें कन्वर्ट करना है। देखना पड़ेगा स्टॉक का है, इससे है, इससे करते हैं। स्टॉक प्राइस आ गया ना यहाँ पे स्टेट बैंक का। ठीक है सर, इसको किसी